मारियो जरा इनको, एक मुक्का दे इसके। अबे का पकड़म पकड़ाई का खेल रहा है उसके साथ। वाह वेरी गुड, बहुत ही खराब अटैक करा इसने। ये मार तो देंगे भाई, तीन तीन है ना, वही मेरे को डर ही इस चीज का था। मुझे ना अभी यहाँ से भागना चाहिए। मार दिया, मेरी गलती बस यही थी कि मैंने उसको भेज दिया। वो सांडा से घटिया पोकेमोन कोई है ही नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे भाई ये लोग तो फिर से पीछे पड़ गए यार, मेरे को जिंदा तो होने दो, मेरा सामान है उधर। देखो मेमोरस को भेजता हूँ, उनसे लड़ता रहेगा। पता है ये है तो छोटू मोटू से, इनको मारना बहुत आसान है। इसके देता हूँ कुल्हाड़ी। भाई ये कितने टाइप के अटैक कर रहा है यार, छिपकली सी चकल का है कहने को। चिड़ा किसको रहे बे? वैसे गाइस बातों ही बातों में हमने इस पोकेमोन के बॉस एरिया में पहुंच गए क्या? ये देखो यहाँ पर एक बॉस पोकेमोन है वॉरसेक। फिलहाल मुझे से फाइट तो करनी है, बट मेरी अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं इससे फाइट करूं। खाना सारा पड़ा था, वो मेमोरस्ट खा चुका है, मुसांडा लक्स भी खा चुका है, यानी अभी मैं हील तो कर नहीं सकता हूं। मुझे ना एक बारी वापस जाना पड़ेगा टेलीपोर्ट होकर, और मैं दोबारा से आऊंगा इनके बॉस पोकेमोन से लड़ने। वैसे वापस जाने का एक ये रास्ता है, और एक दूसरा रास्ता मुझे लग रहा है सामने की तरफ भी होगा जहां पर धुआं निकल रहा है। मैं सोच रहा हूं कि पहले उस वाले रास्ते पे जाया जाए, क्योंकि वहां पर एक मेरे को नया पोकेमोन मिलेगा। जहां पर भी धुआं निकल रहा होता है समझ लो किसी मतलब गार्ड ने एक पोकेमोन को कैद कर रखा है अपने पास। ओबे वेट, ये क्या है? यहां पर तो बी ग्रेड बहुत सारी घूम रही है, जो एलिजा बी गार्ड, तो उस वाले एरिया में जो एलिजा भी थी उसकी जो गार्ड है वो इधर घूम रही है नॉर्मली, और वहां पर मुसांडा लक्स का भाई, मुसांडा। इन लोगों ने देख लिया क्या? ओ भाई मेरे को गड़बड़ हो गई, भाग लेता हूँ। इन लोगों ने शायद मुझे देखा है, पता नहीं ऐसी आ रही हैं। बाकी गाइस मुझे मुसांडा का भाई मिल चुका है यार, इसको पकड़ ले क्या आज? वेट यार मेरा आर्मर डैमेज है, जा मुसांडा। रुक मैं पहले हील भी तो नहीं कर सकता, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बट मैं पता है अभी क्या चाह रहा हूँ, जाने चाहिए बट नहीं, आगे थोड़ा सा मामला अनसेफ है। गाइस मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो गौरी रैट है ना इसको बुलाता हूँ अपने पास अकेले। इसका जो दूसरा भाई है ना उसको दूर ही रहने देते हैं। इसकी फाइट मैं करवाने वाला हूँ रॉबिन क्विल से, रॉबिन मारे से। बे बे बे। नाइस, ज़्यादा हेल्थ तो नहीं है उसकी, पर कूद कूद के लड़ रहा भाई। बस 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 बस, मैं इसे पकड़ सकता हूँ। अरे मर गया यार वो, ठीक है यानी ढीला पोकेमोन है, मार तो सकता हूँ मैं उसको। वहाँ पर सामने एक और है यार, इधर ना दो दो तीन तीन अलग अलग घूम रहे हैं, इनसे फाइट लेने गया तो खाली पीले में मैं पिटूंगा। पर यार ऐसा लग रहा है कि जो मुसांडा लक्स का भाई है ना थोड़ा सा शरीफ है। लेट्स सी, अगर मैं इसके बगल से जाता हूं, तो क्या ये मुझे मारेगा? मारेगा 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 मारेगा। तू भी जा, तू भी मार इसको। वो पत्थर मार रहा है, बढ़िया। वापस आ गया वो मेरे पास सारा भाग के। रोक अपने भाई को, अरे कुछ कर, बढ़िया। तेज वाला मुक्का मार, बहुत ही सही भाई, उसने भी मुक्का मार दिया भाई। वापस आ नीचे, रोक इसे, पत्थर बहुत तेज मारता है यार, पूरा मत मारियो, बस तेरा भाई रोक लेगा अभी से। आजा, देखो दूसरी वाली बॉल फेंकते हैं, चांसेस ज्यादा है इस बार ये कैप्चर हो गया, इजी पीजी। चल अंदर बदमा, चलो हमने इसको भी पकड़ लिया, इसको तो मार दे भाई, पड़ी पड़ी पड़ी, खत्म। बहुत सही, वापस आ जा। मैं कह रहा हूँ ना भाई, अपनी अपनी टीम बहुत डेंजरस हो चुकी है भाई इस टाइम पे। इनको मार दे भाई तू, इसका अटैक बहुत सही है, देखना अभी कैसे मारेगा। अरे उनको मारना है हमें, उनको सामने। हाँ अभी लड़के आएगा देखना, एक गया, अब फेंकेगा अपना फायर। अरे उसे करंट लगा दिया भाई, उन्होंने करंट वाला एरो मार रहे हो। अबे भाई मैं खाली पीली उनसे लड़ रहा था, ये देखो यहाँ पे दो दो उसके भाई घूम रहे हैं मुसांडाज। चल भाई आजा, लड़ाई कर ली हो तो क्या। ठीक है मैं एक नया फास्ट ट्रैवल ढूंढ रहा था, बट फास्ट ट्रैवल तो नहीं, मुझे जो वो वाला एरिया मिला था जहाँ पर से धुआं निकल रहा था, जिधर पोकेमोन कैप्चर्ड रहता है, मैं उस जगह के बहुत पास पहुंच गया। अब चल के उस पोकेमोन को रेस्क्यू कर ही लेते हैं, और देखते हैं कि आखिरकार कौन सा पोकेमोन हमारे हाथ लगने वाला है। बाइनोकुलर्स मैं बना सकता हूँ क्या इस गेम में, ताकि दूर से ही देख लूं भाई कौन है? ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा, बट ठीक है। वहाँ पे भाई फाइट चल रही है भाई, ये गौरी रेड तो काफी अटैक था, वो खुद भी मर गए, उन्होंने मेरे को भी मार दिया। गाइस रुको, मुझे ना सामने एक और वो एलिजा बी वाले पोकेमोन मिल चुके हैं, बी गार्ड, पर मुझे डर इसी चीज का भाई, वो लोग आते हैं गोल गोल घूम के फूट जाते हैं। मुझे डर लग रहा है कि वो दोबारा से ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, वो मेरे को मारने आएंगे और गोल गोल घूम के फूट जाएंगे। पर ठीक है मैंने अपने फेल बैट को भेजा है ताकि वो उनसे लड़े। अगर मैंने एक को मार दिया ना तो मैं पकड़ सकता हूँ इन्हें, मेरे पास मत आने दो उन्हें। ओबे अरे भाई पूरा मार दिया उसने फैल बैट ने, यार फैल बैट बहुत खतरनाक है, सही बता रहा हूँ। मारियो जरा इसको, जरा देखना कैसे मारेगा। इसके अटैक कॉम्बोस बहुत ही तगड़े हैं भाई, ले 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 ले, जो करना कर ले भाई तू, लो दोनों लो भाई, उड़ा दिया दोनों को। अकेले कितना बुरा पीट रहा है भाई ये, उसको भूख लग रही है। रुको रुको इसको फेंकता हूँ ऊपर अभी। ओए पत्थर फेंक के मार दिया,
भाई दोनों मुसांडा गए। मुझे ना ऊपर की तरफ में एक और बी ग्रेड दिख चुका है, मैं इसे दोबारा फाइट करने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक को कैप्चर कर लूँ। लास्ट टाइम इसने भाई बहुत ही बुरी तरह दोनों को मार डाला था, इस बार पूरा मत मार यार एटलीस्ट। ये देखो क्या पीट रहा है भाई वो, मैं मरने वाला हूँ गाइस शायद से मेरे कोने से। भाई देखो भाई कितने सारे पीछे पड़ गए हैं। अबे इसके चक्कर में लड़ाई हो गई यार। भाई यहाँ पर एक मेमोरिस्ट है और मेमोरिस्ट को सारे मार रहे हैं। ओ तेरी भाई, यहाँ पर एलिजा भी तो बहुत है भाई, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे ना जल्दी से जल्दी किसी तरीके से घर पहुंचना है। एक बारी मुझे एक लार्ज फ्रोजन एग मिला है, यानी इसमें से मुझे कोई ना कोई आइस पोकेमोन मिल सकता है, बट मैं अभी पोकेमोन के लालच में नहीं हूँ। मुझे बस ना एक बारी सही सलामत किसी तरीके से पहुंचना है घर पे, जिसका सही बताऊं तो मुझे रास्ता मिल नहीं रहा है। चलो भाई लेट्स गो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ फास्ट ट्रेवल पे। यहाँ से फास्ट ट्रेवल करके चलते सीधा बेस पे। बस आज के लिए भाई बस इतना ही, सही सलामत घर पे वापस पहुंच चुके हैं। सही बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिन गया आज का। मैं बस एक बॉस पोकेमोन को मतलब पकड़ नहीं पाया, बट आज हमने कैप्चर करे बहुत सारे नए पोकेमोन। एक ये है, एक है कैट्रेस। मैं आप काम करता हूँ ना, सारे के सारे उतार के दिखाता हूँ। एक ये है, एक है कैट्रेस, और आज हमने कैप्चर करा है, इसको भी कैप्चर करा है, इसको भी कैप्चर करा है, मुसांडा के भाई को कैप्चर करा है, इसको कैप्चर करा है, एक ये बॉस पोकेमोन को कैप्चर करा। भाई सच में सेवन न्यू पोकेमोन आज हमने कैप्चर करे हैं। वैसे तो टोटल 9 हो जाते हैं, बट अपने मुसांडा भाई ने 2 को मरवा दिया। अरे नहीं, टोटल 8 करे हैं। एक ये भी तो, ये पिंक वाली क्यूट सी, ये देखो एक ये है सो रहा है, ये भी मस्त। यहाँ पर एलिजा भी सो रही है। एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं चाहता हूँ ये लोग जगे और अपना कुछ काम वाम करे। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से 8 पोकेमोन जो मैं पकड़ के लाया हूँ। एक है ये बी ग्रेड, दूसरा है ये पटालिया, ये तो बॉस पोकेमोन है। तीसरा ये है गोपफिन, चौथी ये है, पांचवा है मुसांडा का भाई, ये है रहा भाई, ये मुसांडा है, ये मेन मुसांडा है अपने पास जो है वो है मुसांडा लक्स। और भाई अपना एक ये है, इसकी तो बहुत ही सही है भाई, लकड़ी वकड़ी भी तोड़ रहा है। एक ये है अपने पास कैट्रेस, और सबसे क्रेजी जो है वो है भाई फिलबैट, ये तो भाई मजेदार पोकेमोन है। तो देखा जाए आज हमने बॉस पोकेमोन भी मारे हैं, 2 बॉस पोकेमोन हमने मारे हैं, 1 बॉस पोकेमोन को हमने पकड़ लिया, पर अभी भी काफी सारे लोग बचे हैं और मैप एक्सप्लोर करना बाकी है भाई। तो चलो गाइस आज के लिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। देखो वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.